ओम शांति। यहाँ पर क्या है कि हम कह दिया लेकिन जब करने की बात आती है तो लगता है कि शायद ये लोग हमसे बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे। निमित्त तो बनाया है बहनों को भगवान ने, लेकिन बहनों का अपना पर्सनल काम है क्या? ये क्या है, दैवी दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। तो तन भी लगाना है, मन भी लगाना है और धन भी लगाना है। ये महायज्ञ है और इस यज्ञ का नाम क्या है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और इस यज्ञ के बाद अब कोई यज्ञ नहीं होना है, ये लास्ट यज्ञ है। तो इस यज्ञ में क्या करना है, जब हवन होता है घर में, यज्ञ होता है, तो उसमें जौ तिल तेल सामग्री स्वाहा करते हैं, तो ये भी यज्ञ रचा हुआ है। इस यज्ञ में हमें क्या, जौ, जौ माना तन लगाना है। ये हड्डियाँ सफल कैसे होंगी, जब ईश्वरीय कार्य में इन हड्डियों को लगाएंगे। इसलिए दधीच ऋषि का गायन है, दधीच ऋषि ने क्या किया, वज्र बनाने के लिए हड्डियाँ दे दी। तो हम सब कौन हैं, दधीच ऋषि। इन हड्डियों का क्या होगा, ये हड्डियाँ तभी तो काम में आएंगी जब भगवान के काम में आ जाए, नहीं तो किस काम की हड्डियाँ। पशुओं की हड्डियाँ काम में आ जाएंगी, औरों की हड्डियाँ काम में आ जाएंगी, लेकिन मनुष्यों की हड्डियाँ तो काम में नहीं आती हैं। तो जीते जी इन हड्डियों को ईश्वरीय सेवा में लगाना है, माना तन लगाना है। तेल मिलाते हैं ना उसमें, तेल माना धन लगाना है, नहीं किसी काम का नहीं है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, सफल उसकी होगी जो धनी के कार्य में लगाए। देखिए बैंकों से गायब हो जाता है, पैसा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। ऐसे ही सामने आते हैं लोग और सामान उतरवा लेते हैं, सोना चांदी उतार उतार के लोग दे देते हैं, पता नहीं वो क्या कर देते हैं माइंड को। तो क्या होगा, धन का किसी काम में नहीं आएगा। क्या करना है, ईश्वर है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, तुम मुझे अपना वारिस बना लो। जब तुम मुझे यहाँ अपना वारिस बनाएंगे तो मैं वहाँ वारिस बनाऊँगा, क्योंकि नियम है जब तक तुम नहीं दोगे तो मैं भी दे नहीं सकता। अगर दे सकते थे तो सुदामा जी बहुत गरीब थे, उनके मित्र थे, लेकिन पहले ही दे देते, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि नियम है जब तक हम नहीं देंगे तब तक भगवान नहीं देगा। जब तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तेरा ध्यान रखूँगा। तो बहनें नहीं आपसे कहती हैं, बहनों को निमित्त बनाया। अगर बहनों ने आपका कुछ सफल नहीं करा पाया तो सारा दोष किसका है, और आप भी दोष किसको देंगे, आपने हमसे कराया ही नहीं था, आपने हमको बताया ही नहीं था। तो बहनों को माध्यम बनाया है, किसी काम का धन नहीं रहेगा। इसलिए बचा बचा करके क्या करना है, स्वर्ग बनाने के कार्य में लगाना है, इस स्थापना के कार्य में लगाना है। तो तन भी लगाना है, धन भी लगाना है, और तिल, तिल माना मन भी लगाना है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो बिना तन मन धन के नहीं होता है। किसी के पास धन नहीं है तो वो अपना तन ही लगाता है, तन ही उसका धन है, क्योंकि तन के द्वारा कमाया जाता है। हाँ, धन है तो लोग अपना धन सफल करते हैं, क्योंकि किसी काम का नहीं रहेगा। और जब तन और धन लगता है तो मन भी लगता है। हमारे पास कोई आता है सेवा सेंटर में, अगर वो पूछता है कि कोई सेवा है आपके हमारे लायक, तो हम ढूंढते हैं सेवा कि इनको सेवा बता दो जरूर, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका मन लगेगा। अगर सेवा यहाँ करके जाएंगे तो मन यहाँ आएगा। तो सेवा बताने के लिए भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी कोई सेवा नहीं होती है तो दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या सेवा करानी है। तो ये माना कि जब धन लगे, तन लगेगा तो मन लगेगा, धन लगेगा तो मन लगेगा। कोई करने वाला है, कोई सहयोग करने वाला है, हम कह दिया अभी नहीं फिर कर देना, और वो उस चला गया तो दोष किसके ऊपर आ गया, उसने अपना सफल नहीं कर पाया तो दोष सारा हमारे ऊपर आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई कुछ सहयोग करने वाला होता है, हम कहते हैं अरे अभी रख लो फिर कर देना, और वो रख लिया उसने और फिर उसने किया नहीं, उस वो भाग्य से वंचित हो गया, तो दोष किसके ऊपर आया, दोष हमारे ऊपर आया। तो अपना तन भी लगाना है, मन लगाना है, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ है।
अगर उसे अपना यज्ञ ऐसे ही चलाना हो तो वो किसी बड़े आदमी को पकड़ लेगा और अपना काम करा लेगा। लेकिन हमारा भाग्य कैसे बनेगा जब तक हम सहयोगी नहीं बनेंगे, इसलिए भगवान हमारा सहयोग लेता है। इसलिए दिखाते हैं, सुदामा जी जब मिलने गए थे तो चावल की पोटली को दबा लिया था, छिपा लिया था, लेकिन उन्होंने पोटली को खींच लिया था। अब इतने बड़े महाराजा, तीनों लोकों के मालिक, उनको चावल की पोटली की क्या ज़रूरत थी? आपके 100, 200, 1000, 500 रुपयों की भगवान को क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आपका सफल नहीं होगा तो आपका भाग्य नहीं बनेगा, क्योंकि ये तन भी हमें प्रकृति ने दिया है, धन भी हमारा नहीं है। हमारे पास जो है क्या हमारा कुछ है? एक सेकंड में शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। कमा लो लाखों धन दौलत, कमा लो हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर से हम जितने सहयोगी बन जाएं, उतना हमारा भाग्य बनेगा, उतना हमारा ट्रांसफर होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक अविनाशी बैंक है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भंडारी रखी हैं, ये साधारण नहीं है, ये ईश्वरी बैंक है, ये यहाँ का वहाँ ट्रांसफर करती है। नहीं दिखाते, राम जी जब नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उतराई अंगूठी दी तो केवट ने क्या कहा, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए। तो मुझे भी कहाँ चाहिए? मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए। तो यहाँ तो मिलता ही है, लेकिन वहाँ भी मिलता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो अपना भी सफल करना है और दूसरों का भी सफल कराना है, ये सबसे बड़ा रहम है।